अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ब्रॉन्स किचन विद जुबिया आज मैं आपके साथ बहुत ही हीज़ी चिकन ढाका की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया एक चेस्ट पीस और मैंने उसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया और अब हम इसको वॉश करेंगे सिरका और नमक लगाकर ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड है इसमें से निकल जाए और इसको सिरका और नमक लगाकर थर्टी मिनट्स के लिए रखेंगे और मैंने स्ट्रिप्स को ऐसे कट किया है कि इसके रेशे छोटे हो जाए और चेस्ट पीस का जो निचला हिस्सा था उसको मैंने ज़्यादा छोटा कट नहीं किया क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको ज़्यादा छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है अब हम इसको सिरका और नमक लगा कर थर्टी मिनट्स के लिए रख देंगे ये देखिए अब फिर थर्टी uh, मिनट्स हो गए हैं तो हम इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करेंगे और फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे मैरिनेशन के लिए हमें एक कप योगर्ट चाहिए और बाकी के सारे मसाले मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे ये मसाले डालेंगे और ऑरेंज फूड कलर डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम तीन से चार घंटे के लिए फ्रीज़र में मैरिनेशन के लिए रखेंगे फ्रिज में नहीं रखिएगा फ्रीज़र में रखिएगा क्योंकि फ्रीज़र की ठंडक से इसके uh, जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी मसाला अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करेगा चिकन के अंदर और ये फिर जब फ्राई होंगे तो बहुत ही जूसी फ्राई होंगे अब हमारी मैरिनेशन को तीन से चार घंटे गुजर चुके हैं अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया और एक ही कप कॉर्नफ्लोर लिया दोनों की क्वांटिटी सेम रखिएगा और जब कोटिंग अगर लगे आपको ज़्यादा ठीक है तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे पानी ऐड करने के बाद इसमें हम सेसमी सीड्स से ऐड करेंगे आपको जितनी क्वांटिटी में अच्छे लगे सीड्स आप उतने ऐड कर सकते हैं कोटिंग ना तो हम ज़्यादा थिक रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतली रखेंगे आप देख लीजिए किस तरह की कोटिंग मैंने रेडी की है ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं इसमें हम एक्स्ट्रा सेसमी सीड्स भी अप्लाई करेंगे और ये सात से आठ मिनट में फ्राई हो जाता है ये देखिए इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना ये बहुत हार्ड हो जाएंगे ये देखिए कितने प्यारे मज़ेदार किस्म के चिकन ढाका रेडी हुए हैं मेक श्योर कि मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत इजी रेसिपी है ये और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थैंक यू सो अल्लाह हाफिज़